हाय दोस्तों, मैं बिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्वागत हूँ आप सब बच्चों में। आज हम बात कर रहे हैं कि व्हाट्सएप में रिपोर्ट को किस तरीके से लगाते हैं और अगर उसकी फाइल आती है JPG में उसको किस तरीके से ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आप व्हाट्सएप में जाएंगे, ठीक है। व्हाट्सएप में जाने के बाद में आपके तीन डॉट पर जाएंगे, उसके बाद सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद में आपको जाना पड़ेगा डाटा स्ट्रोम में, थोड़ा कैंसिल बैक करना होगा। उसके बाद अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट में जाने के बाद रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फॉर्म पर करेंगे। तो यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट आई हुई है पहले से, आप इसको यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है। यहाँ से फिर दोबारा से आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो रिक्वेस्ट है जो 4 दिन में रिटर्न आती है। आप टाइम देख सकते हैं, जैसे कि आज इसमें 20 में ही है और उसके बाद में जो 24 में ही उसकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी आ जाएगी डिटेल, तो उसमें किस तरीके से आप ओपन करेंगे, उसका जो फाइल है ओपन होता है वो किस तरीके से होता है हम बता देते हैं ऑलरेडी। तो हम चलते हैं फिर फाइल में, फाइल में जाएंगे और फाइल में आने के बाद में इसको ओपन करते हैं यहाँ से और आपको फाइल मिल जाएगी डाउनलोड में, क्योंकि डाउनलोड में ही आएगी उसकी फाइल, तो आपको डाउनलोड में मिल जाएगी। थोड़ा ऊपर करते हैं तो नीचे नीचे मिल जाएगा, आपको दिख रहा होगा मई अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो इसको ओके करोगे तो आप ये एक्सट्रैक्ट हो जाती है, एक्सट्रैक्ट हो जाएगी तो एक फोल्डर बन जाएगा और एक फोल्डर बनेगा तो ऊपर ऊपर आपको मिल जाएगा उसी के अंदर डाउनलोड के अंदर, ठीक है। ऊपर ऊपर दिख रहा है आपको, यहाँ से ओके करते हैं और फिर यहाँ से आपको ये जो लिखा हो ना SUCCESS HMTL, इसको ओके करते हैं। अब यहाँ पे आप जहाँ पे ओपन करना चाहते हैं वहाँ पे ओपन कर सकते हैं, जैसे कोई ब्राउज़र हो और किसी ड्राइव पे भी ओपन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए GDPR रिपोर्ट, यहाँ पे ओपन करेंगे यहाँ पे पूरा आपको दिख जाएगा इसका रिपोर्ट, कब से टाइम से आपने रिक्वेस्ट डाली है और कब की, किस नंबर से, मतलब उस नंबर पे जितनी एक्टिविटीज होंगी वो सभी आपको यहाँ पे दिखती रहेंगी, ठीक है। और पूरे नंबर दिखते रहेंगे यहाँ पे, मैं ऊपर स्क्रॉल करके दिखाता रहता हूँ, यहाँ पे सारे आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और जो ब्लॉक किए हुए हैं, कोई ग्रुप है तो ग्रुप भी दिखता रहेगा यहाँ से आपको, और हर चीज़ यहाँ पे दिखता रहेगा। इस तरीके से ये सभी चीज़ यहाँ पे देख पाएंगे। और ये एक छोटी सी न्यूज़ थी, अगर आप कोई अगर नंबर ऐसा है कि आपको परेशान करता हो, डिलीट हो गया हो आपके अकाउंट से और आपको वो नंबर दे, तो आप रिपोर्ट करके उस नंबर को ढूंढ सकते हैं आसानी से। या फिर इसमें मैं एक बात बता दूं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप रिपोर्ट डालते हैं तो उसमें चैट आपको नहीं मिलेगी, बाकी उसके नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर मिल जाएंगे, किसी ग्रुप का हो या किसी का भी हो तो यहाँ से मिल सकता है। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद, जय हिंद।